तो गाइस मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप से आप भी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। आप किस तरह से तरह से यहाँ पे जहाज को आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हो, अपने हेलीकॉप्टर के साथ अपने फोटो किस टाइप से आप एडिट कर सकते हो। वन क्लिक में आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा किस टाइप से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो और किस ऐप से यहाँ पे बनाना है। पूरे यहाँ पे ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस बताने वाला किस टाइप से इस वीडियो को वन क्लिक में एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे वन क्लिक में सिखाऊंगा किस टाइप से आप इस हेलीकॉप्टर वाला वीडियो आप अपने फोटो में यहाँ पे लगा सकते हो। चलते डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले अपने फोन में यहाँ पे नॉइज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉइज एप्लीकेशन को इंस्टॉल, तो नॉइज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसको यहाँ पे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो इसको ओपन करना हो। देन ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खोलने को इस टाइप से दिखेगा। आपको यहाँ पे नीचे पे स्क्रॉल करना देख सकते हो, इस टाइप से कुछ आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर, तो आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे नीचे पे आना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे स्क्रॉल करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद अगर आपके स्क्रीन पे सिंपली वो वाला यहाँ पे नहीं शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे, सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। देन सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है हेलीकॉप्टर। देन आपको हेलीकॉप्टर सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस टाइप से यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे सारे टेम्पल, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे टेम्पल मिल जाएगा। तो लाइक आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर पुलिंग आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्लिक करना जो फर्स्ट पे है, दूसरा नंबर वाले को आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे इस टाइप से दिखने लगेगा आगे का इंटरफेस खुलने को। देन आपको यहाँ पे माइक पर क्लिक करना। माइक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ नॉइज एप्लीकेशन में यहाँ पे लोगो लग जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को वीडियो सेव करना बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं आता, तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो सेव करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सारे यहाँ पे फोटो को एडिट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। देन आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फोटो को एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। देन प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फोटो को रिप्लेस फोटो आप यहाँ पे जिस भी फोटो को लगाना चाहते हैं देन आप उस फोटो को सेलेक्ट करना। उस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट करना कुछ आप लाइक इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करना। आप जितना फोटो को रखना चाहते हैं सिंपली उस टाइप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। देन ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे पूरी तरह से यहाँ पे फोटो लग चुका है, जो यहाँ पे इजी स्टेप है यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद इस ऐप से यहाँ पे लोगों को हटाने के लिए यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली कट पर क्लिक करना। देन यहाँ पे बहुत सारे ऐड आएंगे, सिंपली ऐड को यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉच पर क्लिक करना है। देन ऐड को वॉच करने के बाद आपके स्क्रीन पे पूरी तरह से यहाँ पे लोगो हट चुका है, देख सकते हो यहाँ पे लोगो यहाँ पे हट चुका है। देन इतना एडिट हो चुका है मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इतना यहाँ पे फोटो को एडिट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे पूरी यहाँ पे सेव करके दिखाऊंगा। और आपको जिस भी म्यूजिक को आप पसंद है सिंपली उस म्यूजिक को लगा सकते हो। देन आपको म्यूजिक लगाने के लिए रिप्लेस म्यूजिक पर क्लिक कर लाइक रिप्लेस म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऐप पे बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लोकल म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आप अपना म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस म्यूजिक को ऐड करने के लिए देन आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे म्यूजिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यूज पर क्लिक करना है। यूज पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड हो चुका है मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। पूरी तरह से यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो चुका है, यहाँ देख सकते हो म्यूजिक ऐड हो चुका है। यहाँ पे फोटो भी एडिटिंग हो चुका है। आप जिस भी फोटो को बनाना चाहते हो सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इस टाइप से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। देन इसको यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे माइक का ऑप्शन पर क्लिक करना। देन माइक का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे का इंटरफेस खुलने को इस टाइप से दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग करना। देन वेटिंग करने के बाद आगे का इंटरफेस खुलने को इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे व्हाट्सअप। देन आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद आगे का इंटरफेस खुलने को इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्ट फीड, रील्स, स्टोरी, तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे स्टोरी पर क्लिक करना। देन स्टोरी पर क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देखें आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आने के बाद इस इंटरफेस खुलने को इस टाइप से दिखेगा। इसको यहाँ पे सेव करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना। देन थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का आइकन मिलता है, सिंपली सेव पर क्लिक करना। सेव पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग करना। देन वेटिंग करने के बाद ये पूरी तरह से आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मेरा यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है, फोटो यहाँ पे वीडियो भी सेव्ड हो चुका है, यहाँ पे वीडियो भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइप से आप भी वीडियो को वन क्लिक में एडिट कर सकते हो। देख सकते हो अपने हेलीकॉप्टर के साथ आप अपने फोटो को कैसे आप झंडा के साथ आप एडिट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पूरी तरह यहाँ पे देख सकते हो।